तो इस वीडियो में हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला बेसिकली एक सेकंड फेमस कर्व है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है और फिजिक्स में कई जगह यूज़ होता है। पैराबोला एक बेसिकली सेकंड डिग्री की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए ज़ीरो नहीं हो सकता, ए ज़ीरो हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ए या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो एक पैराबोला ऊपर की ओर उठा हुआ बनेगा, वो कहीं भी बन सकता है, इधर नीचे, बस इसका मुंह खुला हुआ होगा। पैराबोला एक इनफाइनाइट कर्व है तो ये खत्म नहीं होता, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा। और अगर ए नेगेटिव है तो एक डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ होगा। हाँ, वो कहीं भी बन सकता है, वापस से ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। अगेन, इसके जो टांगे हैं वो लंबी होती जाएंगी, इनफाइनाइट ग्राफ्स। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाँ, अब इसको हमने तो बहुत अप्रोक्सीमेट तरीके से बनाया है, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से बनाने का तरीका है। रूट्स निकाल लें इस इक्वेशन की। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रख के रूट्स निकालें, तो जो रूट्स आएंगे वो बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वाई ज़ीरो होगा। आपने वाई को जीरो रख के तो निकाला है, तो जहां पर वाई जीरो होगा वहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो द कर्व विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट विच आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर रूट्स इमेजिनरी हुए तो क्या होगा? रूट्स इमेजिनरी हुए तो वो कट ही नहीं कर पाएगा। तो या तो वैसा बनेगा, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ और वाई एक्स एक्सिस से ऊपर, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि नीचे की ओर मुंह खुला हुआ और नीचे ही रह गया। ओके, तो इस तरीके से वो बन सकता है। हाँ, अगर रूट्स इक्वल हैं तो वो एक्स एक्सिस को एक बार जस्ट टच करेगा, विच विल बी टेंजेंशियल टू द एक्स एक्सिस। इस वाले ग्राफ में रूट्स आपको इक्वल दिख रहे हैं जिसकी वैल्यू जीरो है, इस वाले में भी जीरो है। तो अगर नॉन जीरो वाले ग्राफ में एक बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। लेट से यहाँ पर जस्ट यहाँ टच कर रहा है, ए इसका भी जीरो से ग्रेटर है और इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल होगा। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है, इसका ए लेस देन जीरो है और दोनों रूट्स इक्वल हैं। ओके, हाँ, अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं तो ऐसा होगा। यहाँ एक रूट आपको दिखना चाहिए कि एक रूट जीरो है और दूसरा रूट कुछ पॉजिटिव है। ओके, सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा बनेगा। तो सारे ग्राफ्स की बात करें, इसमें रूट्स रियल और एक जीरो, एक पॉजिटिव, और इसका ए ग्रेटर देन जीरो। इसका ए ग्रेटर देन जीरो बट रूट्स इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी, ए लेस देन जीरो। रूट्स दोनों जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। रूट्स दोनों जीरो बट ए लेस देन जीरो। ओके, रूट्स दोनों इक्वल, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो, इसमें ए लेस देन जीरो। तो दोस्तों कुछ पैराबोलास ड्रॉ करके देखते हैं। पहला है वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आपको रूट्स दिखने चाहिए। रूट्स आर 0,0, सो और ए की वैल्यू नेगेटिव। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ए लेस देन जीरो है, रूट्स दोनों ही 0,0 हैं। तो ये 0,0 पर टच करेगा और नीचे की ओर इसका मुंह खुला होगा। गॉट इट? यहाँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अगर इसके रूट्स, इसको जीरो रख के इसके रूट्स निकाले जाएं तो रूट्स आपको दिखेंगे प्लस माइनस टू, और ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, वन दिख रहा है ना यहाँ, प्लस वन, तो ऑब्वियसली ये प्लस माइनस टू पर कट कर रहा है और ऊपर की ओर इसका मुंह खुला हुआ है। ये एक्स इक्वल टू प्लस टू है और ये एक्स इक्वल टू माइनस टू है, ये वाला पॉइंट। ओके, इस पर आते हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर रूट्स देखें तो रूट्स हैं 0,0
और ए इस बार भी पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर खुला हुआ मगर ओरिजिन को जस्ट टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसके अगर रूट्स देखें, इसको जीरो रखे तो रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, तो रूट्स इमेजिनरी हैं। हाँ, मगर इसका जो ए है वो पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कट करेगा फाइव पर, और अगर इसका मिनिमा देखें तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है, मगर ऐसा क्यों नहीं है, ये हम डिफरेंशिएशन से जानेंगे। ओके, अभी के लिए आप मान ले मेरी बात कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। हाँ, आपके लिए ऐसा भी हो सकता था, मगर ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू फाइव होगी, तो ये यहाँ से पास होगा। इन दो ग्राफ में अभी भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है। ओके, तो नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। ये फोर है, ये एक्स इक्वल टू टू पर टच करता हुआ जा रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे दोनों इक्वल हैं, तो ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा, और जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई फोर होना चाहिए, तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस वाले ग्राफ में अगर देखें तो ये थ्री कॉमा जीरो और जीरो कॉमा जीरो से पास हो रहा है, तो दोनों रूट्स हमें मिल गए। रूट्स हैं एक्स माइनस जीरो और एक्स माइनस थ्री। गॉट इट? ये वाला ग्राफ इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स एंड बस यही। हाँ, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री। ये वाला ग्राफ आपको आधा ही दिखाया गया है, क्योंकि बुक्स में कई बार आपको ऐसे ही मिलेगा, उसको पैराबोला बोलते हैं, दैट इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ द पैराबोला। तो आप सीधे सीधे देखें, ये एक ओपनिंग कर्व है, तो ये कुछ भी इस टाइप का हो सकता है, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, की कैन बी एनी वैल्यू, बट हाँ वो पॉजिटिव होनी चाहिए सिर्फ, और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो हो रहा है। एस इज इक्वल टू एस नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेसिक एक काइनेमेटिक की इक्वेशन है। तो मान लेते हैं एस नॉट पॉजिटिव है, तो ये एक पैराबोला, इस एक्सिस पर हम एस दिखा रहे हैं और इस एक्सिस पर टी दिखा रहे हैं, तो एक पैराबोला बनेगा जो ओपनिंग अपवर्ड होगा, इसको पॉजिटिव और हाफ ए को भी पॉजिटिव मानते हुए ये ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है। ओके,